और सांप्रदायिकता, जिसे खान साहब ने अभी कहा था कि धर्म और मजहब अलग अलग है, ये बिल्कुल सच है। इसको तो मैं हजारों बार दोहराता रहता हूँ, धर्म एक है, मजहब अनेक है। कल ही मैंने कहा था कि पूरी दुनिया में आजकल जितने मजहब हैं सब 2000 वर्ष के अंदर के हैं, पहले के नहीं, और बदलते चले जा रहे हैं, ये बदलेंगे, लेकिन धर्म नहीं बदलता। धर्म है शील और संयम, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। महाराज राम अपने पर संयम किए तो राम के भरत के लिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया, उनके साथ शील का बर्ताव किया। भरत ने अपने पर संयम किया तो श्री राम के चरणों में चित्रकूट में जाके राज चढ़ा दिया। कौरव पांडव अपने पर संयम नहीं कर सके तो 18 दिन के युद्ध में कट के मर गए। जो जितना संयमशील होगा, संयमी होगा, उतना दूसरे के साथ शील, करुणा, प्रेम का बर्ताव कर सकेगा। जमाना विज्ञान का है, सभी वर्ग में सब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इन पुराने महापुरुषों को भूल जाना चाहिए, राम कृष्ण बुद्ध कबीर मोहम्मद ईसा सब इनको भूल जाना चाहिए, कुरान बाइबिल वेद रामायण गीता सब फेंक देना चाहिए पानी में, ये सब हमें जाहिल बनाते हैं और हमें तर्कशील होना चाहिए। और ये धारणा निश्चित ही मानवता के लिए विध्वंसक है। दूसरी धारा पुराणों की है, पुराने लोगों की, कि जो कुछ लिखा वो सच है, उसमें हम टस से मस नहीं होंगे, ये और भी खतरनाक है। कबीर बीच के हैं, वो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, संत हैं, और परम संत उनको लोग कहते हैं, लेकिन महातार्किक हैं। बीजक उनका आप पढ़िए, जैसे दहकती आग, सारे अंधविश्वासों का खंडन। काहू के बचन ही फुरे, काहू करामाती मान बढ़ाई, ले रहे हिंदू तुर्क जाती, बात ब्योते आसमान की मुद्दत रेरारी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, साचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। सारे चमत्कारों का खंडन करते। धर्म अफीम नहीं है, मार्क्स ने कहा धर्म अफीम है, तो बिल्कुल गलत उन्होंने नहीं कहा। हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार है या संदेश वाहक है, उसी के थ्रू स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, और उसकी जो किताब है उसके थ्रू मिलेगा, और उसके मजहब के थ्रू मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। ये सब की धारणा है। सारे मत मजहबों में आप जाकर के देखिए तो उनके गुरु जो हैं या अगुआ, वो ईश्वर के या तो अवतार हैं या ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। तब जब ईश्वर के अवतार और भेजे गए हैं तो उन्हीं द्वारा तो कल्याण होगा, दूसरे से कैसे होगा। लेकिन आश्चर्य यह है कि हम कहते हैं नहीं हमारा अवतार सही, वो कहते नहीं हमारा अवतार सही, वो कहते हमारा पैगंबर सही, वो कहते हमारा पैगंबर सही। इसमें खूब मुख्य उवल है। हमारी किताब आकाश से आई, जबकि सारी किताबें मनुष्य बनाता है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि ये एक मंत्र भी कहीं आकाश से आया है। सारी ऋचाओं पर ऋषियों के नाम हैं जो उनके रचयिता हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, दुनिया के सारे मजहब मनुष्य के बनाए हैं, दुनिया के सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। ये जब तक न स्वीकारा जाएगा सांप्रदायिकता का जहर खत्म नहीं हो सकता। स्वर्ग और मोक्ष अपनी डिबिया में बंद करके इन संप्रदायों ने रखा है, जो महाझूठ है। इस झूठ को उन्होंने आज से 550 वर्ष पूर्व काशी में ललकारा। उधर पंडित खुद बैठे थे, उधर मुल्ला, दोनों को डरे नहीं, आग से वो खेले। और उनका साहस कि दिन दिन जितना बढ़ रहा है पूरी दुनिया में वो चमक रहे हैं। कबीर को लिया जाए, उनके विचारों को लिया जाए, तो पुरानी और नई पीढ़ी दोनों को वो जोड़ते हैं।
नए में जो उन्माद है, अध्यात्म को उच्छिन्न करने की चेष्टा, और पुराणों में जो उन्माद पुराना है, वो दोनों को दूर करके शुद्ध चिंतन का रूप कबीर के विचार देते हैं। चमत्कार धोखा है, बाबा कई सौ वर्ष के हैं, आकाश में उड़ते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, रोग काट सकते हैं। अमुक महात्मा, अमुक पैगंबर, अमुक अवतार इतने दिन जिए, ऐसा आकाश में उड़े, ऐसा किए वैसा किए, अमुक सिद्ध योगी इस तरह के किए, जब वो चले, एक भक्त चले जब नंगे पैर, तो पृथ्वी ने काटा कंकड़ों को अपने अंदर कर लिया, क्योंकि भक्त उखड़ जाएगा। चाहे कितने बड़े भक्त हो, पृथ्वी के ऊपर काटे कंकड़ जो रहेंगे सब वैसे रहेंगे, भक्त और संत न संभालेंगे तो उनके पैर में भी गड़ जाएंगे। लेकिन धर्म की किताब में सब लिखा है, तर्कहीन बातें, युक्तिहीन बातें, सृष्टि क्रम विरुद्ध बातें जितनी हैं, सब का सब छलकपट पूर्ण है। और धर्म के नाम पर ये खूब चलता है। अगर आप झूठ बोलने की प्रतियोगिता आयोजित करना चाहें तो धार्मिकों को बुला लें, एक से एक झूठ बोलेंगे आगे बढ़ करके। एक ने कहा, मेरे आंगन में एक सरसों का पेड़ है, जब पूर्वी हवा चलती है तो पश्चिम तरफ 100 मन सरसों झड़ जाता है, और जब पश्चिमी हवा चलती है तो पूर्व 100 मन सरसों झड़ जाता है। एक ने कहा, मेरे आंगन में एक मिर्चा का पेड़ है, उसमें इतना बड़ा मिर्चा है कि एक नदी पर रख दिया गया है दोनों तटों पर, उसी पर गाड़ी घोड़ा टमटम ट्रक सब चलता है, वो मिर्चा ही पुल बन गया है। एक ने कहा, मेरे एक कमरा है, जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सब जानवर के जोड़े एक एक उसी में रख लिया जाता है, जब सृष्टि करना होता तो निकाल करके कर दिया जाता है। दूसरे ने कहा, हमारे पास एक बांस है, जब चाहते बादल को खोद देते पानी बरसने लगता है, कि वो बांस कहाँ है, कहीं तुम्हारे कमरे में रखा है। हम एक झूठ बोलेंगे, आप दो झूठ बोलेंगे। धार्मिक में, धार्मिक समाज में झूठ बोलने छूट है, लेकिन ये सब झूठ समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। कबीर साहब इसके विरोधी हैं। अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ लौकिक है, सब कुछ तर्कपूर्ण और युक्त युक्त है, सृष्टि कर्म के अनुकूल होता है, सृष्टि कर्म के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। मोक्ष और स्वर्ग संप्रदाय की बपौती नहीं है, स्वर्ग है अपने में लौट आना, स्वर्ग स्वर्ग, अपना मन भटकता है अंतर्मुख हो जाए ये स्वर्ग है, नरक है मन की मलिनता, वैकुंठ है विकुंठ कुंठारहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री निर्मल मन, ये वैकुंठ है। मोक्ष मोह का क्षय, ये अपने परिश्रम का परिणाम है, गुरु आदेश देता है, परमात्मा हमारा सब काम कर देगा, गुरु कर देंगे, ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। हम और आपने अपने अंदर में कटीली झाड़ियां पैदा की हैं, उन झाड़ियों को हमें ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट देगा, न ईश्वर काट देगा न गुरु काट देगा। ईश्वर तो परोक्ष, हमारी कल्पना है, गुरु सामने है, वो भी केवल रास्ता बताएगा। ईश्वर की आप कितनी कृपा चाहते हैं, ये पूरा विश्व प्रपंच ही मानो ईश्वर है। अब आपको इसमें सब सुविधा मिली है, विशाल पृथ्वी मिली है, हवाएं मिली हैं, चांद सितारे हैं, लहराता समुद्र है, नदियां हैं, झरने हैं, वनस्पतियां हैं, शरीर मिला है, सभी इंद्रियां हैं, क्या चाहिए आप? अब आपने सुबह से शाम तक रोज रोज जो विकारों को बना करके, काम क्रोध लोभ राग द्वेष चिंता ईर्षा द्वेष हिंसा से जनित मवाद को मन में इकट्ठा कर रखा है, दूसरा कौन निकाल देगा? हम और आपने अपने मन में मवाद बनाया है, हमें ही इन्हें निकालना है।
गुरु केवल रास्ता दिखाएगा। ऐसे गुरु घूमते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, कहते हैं हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हारा तरनतार करेंगे, ये धोखा करने वाले हैं। सही गुरु ऐसा कभी नहीं कहे, हमें स्वयं अपना ऑपरेशन करना पड़ेगा। संप्रदायों का ये दोष कि हमारे संप्रदाय से स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, धांधलीबाजी है। स्वर्ग मोक्ष सबके अपने जीवन में उसके परिश्रम से ही घटेगा, उतरेगा, और उसके लिए हमें स्वयं ये काम करना पड़ेगा। जातिवादी भावना आज से 1600 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने सोचा कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को अछूत और हे न कहे, तुच्छ न कहे, वह स्वतंत्र भारत होने पर कानून के रूप में बदल गया। यह कबीर विचारों की सच्ची विजय है। कबीर का नाम न लिया जाए कोई हर्ज नहीं, कबीर एक सच है, और जीवन में सच अगर उतर आया कबीर के नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कबीर को हम पूजे न जिए। अभी अभी पारक प्रकाश में एक लेख मेरे ब्रह्मचारी ने लिखा है, फोन भी मेरे पास आया कि ये लेख बहुत पसंद आया। कबीर को पूजे न जिए, कबीर जो बताए हैं उसके अनुसार जीवन बनाए। आज लोकसभा भवन में, विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हो, लेकिन वे कानून बनाने के लिए बाध्य हैं कबीर के मानवतावादी विचार के अनुकूल। ये समय का चक्र है, ये बहुत बढ़िया चक्र है। आज का समय खराब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब है। लेकिन महाराज राम जब जंगल में जाते हैं दंडकारण्य में, तो हड्डियों के समूह को देख करके ऋषियों से पूछते हैं कैसी हड्डी है। उन्होंने कहा राक्षसों ने ऋषियों मुनियों को खा करके हड्डी बिखेरी है। आज भारतवर्ष में संतों की हड्डी कहाँ बिखेरी है? कौन आदमी संतों को मार करके खा जाता है? तो राम का जमाना अच्छा था कि हमारा जमाना अच्छा है? हमारा जमाना अच्छा है। ये भ्रम है कि पहले सब अच्छा था, आगे खराब होगा। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग का जो वर्णन है ये वैदिक नहीं है, युग शब्द वेदों में है, जो 10 वर्ष को भी युग कहा गया है, और छोटे छोटे समय युग कहा गया है, युग जोड़े को भी कहा गया है। चारों युगों का वर्णन एक साथ एतरे ब्राह्मण में पहली बार आया है। कलि शयानो भूत संजय आनस्त द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भूत कृतम संपद्धते चरण कलि शयानो भवति संजय आनस्त द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति कृतम संपद्धते चरण। कलि कलिकाल क्या है? सयानो भवति, सो गया आदमी, सो गया तो कलिकाल है। कलि सयानो भवति संजिहानस द्वापरा जग गया तो द्वापर हो गया। उत्तिष्ठत अस्त्रेता भवति उठ के खड़ा हो गया तो त्रेता हो गया। और कृतम संपद्धते चरण जब वो चलने लगा तो कृतयुग हो गया, सतयुग हो गया। ये लक्षण करता है। चारों युगों का जो लाखों वर्षों में निर्धारण है ये पौराणिक है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं। कितनी बातें वेदों में नहीं हो, पीछे वाले कहा गए वेद में लिखा, वेद में लिखा, वेद में लिखा। इसलिए दिग्भ्रमित समाज हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम की कथा चारों वेदों में व्याप्त है, श्री राम का नाम जप चारों वेदों में व्याप्त है। चारों वेदों में एक जगह श्री राम की कथा नहीं, एक लाइन में भी नहीं। राम नाम जप की महिमा क्या, राम नाम जप की चर्चा भी नहीं। मैं आपको बताऊं वाल्मीकि रामायण में भी राम नाम की चर्चा एक जगह भी नहीं। राम नाम का जप तो 1000 वर्षों से शुरू हुआ है। तो वेदों में कितनी ऐसी बातें हैं जो नहीं है और कहते हैं। जैसे वेद में अधिकार ब्राह्मणों का है, थोड़ा थोड़ा क्षत्रिय और वैश्यों का है, बाकी का नहीं।
इसमें लोग बैठे हैं, पांडित जी अपने नाम से सरनेम से प्रसिद्ध हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं, ये वेद पढ़ सकते हैं, आप साहू लोग नहीं पढ़ सकते। इसमें ज़्यादा साहू होंगे और लोग होंगे, लेकिन चारों वेदों में मैंने एक लाइन कहीं नहीं देखी है जिसमें ये लिखा हो कि वेद पढ़ने कौन अधिकारी है, मानव मात्र अधिकारी, मनुर्भव जनया दिव्यं जनम, ये वेद में आता है, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। चारों वेदों में मैंने छुआछूत का नाम कहीं नहीं पढ़ा है, समानी प्रपा सहो नभागा ये पढ़ा है, ये वेद का मंत्र है, हमारी प्रपा पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन लें, सम गच्छब्धम सम बदत्थम सम ओमना जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, ये ऋग्वेद के आखिरी ऋचा का मंत्र है। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बात करें, साथ साथ अपना अपना हिस्सा लेकर के खाएं पिए और आनंद से रहें। पंच ये मेरे जनाहा, ये भी ऋग्वेद में आता है, थोड़ा थोड़ा समय कह रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं। पंच ये मेरे जना, ये मेरे नाम हवन करना, पंच जना ये मेरे, पांच लोग हवन करते, वे पांच लोग कौन हैं? शरणाचार्य ने बारंबार अपने भाष्य में इस बात को दोहराया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी शासक व्यवसायी शिल्पी श्रमिक, पूरी दुनिया में पांच वर्ग के लोग सदा रहे सदा रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, शासक रहेंगे, व्यवसायी रहेंगे, शिल्पी कारीगर रहेंगे और श्रमिक मजदूर दल रहेगा, और पांचों यज्ञ करते हैं, पंच ये मेरे जना पांचों यज्ञ करते हैं। जब पांचों यज्ञ करते हैं तो वेद में किसका अधिकार नहीं है? बीच में इतना बिगड़ा और कहते हैं हम वेद को जानते हैं, चारों शंकराचार्य विद्वान होते हैं, ये सब कहते हैं कि वेद में शूद्रों का अधिकार नहीं है, और इतना ही नहीं स्त्रियों का भी अधिकार नहीं है, पाणी का अधिकार है पड़ायन का अधिकार नहीं है, तिवारी वेद पढ़ सकते तिवराइन नहीं पढ़ सकते, आधी मुर्गी कोई काट के खा जाए और आधी अंडा देगी? जो माँ है जिसके गोद में बच्चे पलते हैं वही वेद नहीं पढ़ सके? बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 ऋषियों, 50 से अधिक ऋषियों के नाम हैं जिनकी माताओं की नामावली पिताओं की नहीं, वे ऋषि हैं सब, मात्र सत्ता वंश का अंश है। कभी जमाना था जब विवाह नहीं होता था, स्त्रियां स्वतंत्र होती थी, गर्भ किसी से धारण हो जाए, इसलिए पुत्र का नाम माता के नाम से होता था। सत्यकाम जाबाल छांदोग्य उपनिषद में ये साफ है, बृहदारण्यक उपनिषद में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनकी माताओं के नाम का पता है पिताओं का नहीं। गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को हिला देती है प्रश्न करके, विदुषी थी, वेद विद्वान थी, कैसे नहीं वेद में अधिकार है स्त्रियों का? अपाला घोषा इत्यादि एक दर्जन से अधिक स्त्रियां जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं, मैंने अपने वेद में शुरू में ही भूमिका ही में स्त्रियों का नाम लिखा है और आगे कोष्टक में वेद मंत्र और अध्याय सब लिखा है कि तुरंत आप वेद में मिला लें। शूद्र कहे जाने वाले का भी मैंने लिखा है, वैश्य मुझे एक मिला है और संदेह है उसमें, क्षत्रिय कही है, ब्राह्मण बहुत हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वेद के रचयिता हैं, स्त्रियाँ भी रचयिता हैं, फिर वो अधिकारी कैसे नहीं है? कितना भटक हो गया है, आगे चल करके बहुत भटका हो गया है। ये अवतारवाद की कल्पना ने और पुराणों की कल्पना ने वैदिक दर्शन को और उपनिषद के चिंतन को काफी धूमिल कर दिया है, और वेदों में जो रूपक हैं वो एक कहानी गढ़ करके भ्रष्ट चरित्र का निर्माण कर डाला गया है। जैसे अहिल्या, अहिल्या का अर्थ होता है रात, आह कहते हैं दिन को, दिन जिसमें लीन हो वो अहिल्या और रात है, और इंद्र कहते हैं सूर्य को, वो उसको नष्ट करता है पतित करता है,
इसलिए इंद्र अहिल्याचार ये सतपथ ब्राह्मण में आता है। इंद्र अहिल्याचार ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इंद्र अहिल्याचार इंद्र अहिल्या का जार है। इंद्र सूर्य अहिल्या रात का जार जीर्ण करने वाला नष्ट करने वाला है। और आगे चल करके महाभारत में अहिल्या का वर्णन आया और इंद्र उससे भ्रष्ट होता है। फिर वाल्मीकि में आया वहीं से। वाल्मीकि तक यहीं तक है कि महाराज राम कहते हैं विश्वामित्र से, रामचरितमानस में तो यात्रा में हैं और वहीं मिल गई हैं अहिल्या। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जनकपुर में ही एक सुनसान आश्रम है। तो राम कहते हैं गुरुदेव ये कैसा सुनसान आश्रम है। विश्वामित्र कहते चलो दिखा दे, गए। अहिल्या बैठी थी, उन्होंने उठ करके स्वागत किया राम का और राम ने पहले उनके चरणों का स्पर्श किया। राम गए, अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। गोस्वामी जी ने श्री राम का चरण अहिल्या पर रखवा दिया, क्योंकि अहिल्या को पत्थर बना दिया। एक हाथ की ककड़ी नौ हाथ के बीच बनते बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। अहिल्या कोई व्यक्ति नहीं, अहिल्या रात है। ऐसी अनेक कथाएं, अनेक रूपक हैं जो पुराणों में भ्रष्ट कर दिए गए हैं। विष्णु छलिया हैं, वे बावन का रूप बना लेते हैं और छल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद में 24 बार इसका संकेत है कि इंद्र विष्णु के तीन कदम होते हैं। उसमें एक बहुत खुलासा है जिसको पंडित लोग कर्मकांड में जिसका विनियोग करते हैं, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा नित्य पदम समूढ़मत्स्य पांसरे। यहाँ इंद्र, यहाँ विष्णु तीन कदम रखे और उनके कदम की धूल से पूरी दुनिया ढक जैसी गई। देश विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक मत से यही अर्थ मानते हैं कि सूर्य विष्णु है। विष्णु कहते हैं जो प्रवेश करे। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। सूर्य की किरणें सब में प्रविष्ट होती है, इसलिए सूर्य विष्णु है। उसकी किरणें अश्व हैं जो सब में प्रविष्ट होती है। और इस प्रकार वर्णन आता है। आगे चलकर की विकृति हुई। वेदों में न तो छुआछूत है और न तो यह है कि कोई वर्ग वेद का अधिकारी है अनधिकारी है, पूज्य और अपूज्य, सब कुछ नहीं है। चरित्र की उज्ज्वलता पर वेदों में जोर है, उपनिषदों में जोर है। आगे चलकर के बहुत विकृत हुआ और बहुत बिगड़ गया। हिंदू समाज दिग्भ्रमित हो गया। आज तो हिंदू समाज के लिए ये बात है, कितने ईसाई पादरी कहते हैं तुम्हारे देवता कौन है, इंद्र भ्रष्ट, विष्णु भ्रष्ट, शिव भ्रष्ट। और पुराण के अनुसार वो सही कहते हैं, लेकिन ईसा भ्रष्ट नहीं है, ईसा संत है, तो कहना उनका गलत नहीं है। लेकिन आम हिंदू क्या जाने, जब पंडित खुद भ्रष्ट हैं, वे स्वयं उनको अकल नहीं है, स्वयं वेद शास्त्र नहीं जानते हैं और स्वयं पुराणों के प्रपंच में ही लिपटे हैं, तो क्या उत्तर देंगे। किंतु ईसाई लोग जो पेश करते पौराणिक बातों को लेके पेश करते हैं और उनको दाव मिलता है, या कोई भी पेश करे, किंतु ये सारी बातें बिल्कुल निरर्थक। कवि साहब ने कहा कि मानो मानो है, मानो से मिल करके जात पूछना तुम किस जात के हो, ये हत्या से भी अधिक पाप है। तलवार से किसी का गला काट देना महापाप है, और किसी से जात पूछ करके उसकी कीमत आंकना और महापाप है। सब हणमांस के शरीर वाले हैं और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, कौन ऊंच नीच है। मेहतर सबसे नीच है क्योंकि टट्टी फेंकता है। इतनी बड़ी सभा बैठी है, किसी के मुंह में 32 दांत है जो कहे कि मैं मेहतर का काम सुबह उठ के नहीं करता हूँ। बड़े बड़े जगतगुरु कहलाने वाले पंक्ति पावन प्रातः काल उठ करके मेहतर का ही काम करते हैं। टट्टी करके जगह गंदी कर देने वाला बुरा है, और जो धो दे उस वो टट्टी करके जगह गंदी कर देने वाला अच्छा है, और जो साफ कर दे वो बुरा हो गया। मेहतर साफ करता है, बुरा कैसे है। आखिर सब तो अपनी टट्टी साफ करते हैं, हम पेट में टट्टी भरे हैं, मेहतर नहीं है। हड्डी की झोपड़ी शरीर, इस कूड़ा कचड़ा को लेकर चल रहे हैं, इतनी अकल नहीं है, फिर ज्ञानी कैसे हैं।
और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा, कौन ब्राह्मण नहीं। ब्रह्मत्व की तरफ हम चल रहे हैं कि शूद्रत्व की तरफ। शरीर का अहंकार है, कवि साहब बहुत बढ़िया कहा, बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। ये बड़े कहलाने वाले अपने बड़ाई के अहंकार में डूब गए, सदगुरु से यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किए, इसलिए चारों वर्ण चमार। एक वर्ण को चमार नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा ब्राह्मण चमार। कबीर को कहीं आप पकड़ नहीं सकते। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर कहीं पकड़ में नहीं आते। ब्राह्मण को ऐसा नहीं कहते कि ब्राह्मण चमार, चारों वर्ण चमार। देह की बुद्धि है, वो कहानी आप याद करें, जब जनक की सभा में ज्ञानी लोग इकट्ठे थे और शर्त यह थी कि जो जितने विषय का आचार्य हो नगाड़ा पर उतनी आवाज पहले करे, तो जो आवे तीन विषय का आचार्य है तो तीन चोट करे, तो अंदर से बुलाया जाए भाई तीन विषय का आचार्य जा रहा है। अष्टावक्र मुनि पहुंचे जो आठों अंगों से टेढ़े थे, वे नगाड़ा पर चोट लगाने लगे तो लगाते ही गए अनगिनत लोग। कह रहे कितने विषयों का आचार जा रहा है। बुलाए गए, सभा में पहुंचे, सब पंडित हंस दिए, वो भी हंस दिए। पंडितों ने कहा आप कैसे हंसते हैं, उन्होंने कहा आप लोग कैसे हंसते हैं। पंडितों ने कहा हम इसलिए हंसते हैं कि आठों अंग के टेढ़े आए हैं ज्ञान देने के लिए। उन्होंने कहा मैं इसलिए हंसता हूँ कि चमारों की मंडली आई ज्ञान देने के लिए। पंडित लोग खफा हो गए, हम कैसे चमार हैं, कहीं चमड़े की बुद्धि है, हमारे देह के टेढ़े मेढ़ेपन को देख रहे हैं बस, ज्ञान को तो नहीं देख रहे हैं। तो सब शर्मा गए। कथा भले काल्पनिक हो चाहे घटी घटना हो, लेकिन तथ्य को उजागर कर दिए। मनुष्य की कीमत जाति पूछ करके मानना महापाप है, इसलिए जाति पूछना बंद करो। किसी से जात मत पूछो, खाली ब्राह्मण दोषी नहीं, सब दोषी। किसी से जात पूछो ही मत। मेरे आश्रम इलाहाबाद में तो बोर्ड लगा हुआ है पत्थर का, सुनाला बोर्ड, कि कोई यहाँ जात वर्ण संप्रदाय मजहब वर्ग क्षेत्र प्रदेश की चर्चा न करे। हमारे यहाँ कोई जात पूछी नहीं जाती। जब एक बार विश्वविद्यालय से तीन लड़के आए, एक ब्राह्मण कुल का था, एक वैश्य कुल का, एक मुस्लिम कुल का। मैंने कहा बेटा भोजन करके तब जाओ। जो मुस्लिम कुल का था वो सब पकाया। मैंने कहा बेटा घबराओ मत, भोजन करके जाओ। तो जब उधर से हट गए तो ब्राह्मण का लड़का कहा कि साहब ये मुस्लिम लड़का है तो सोचता है कि बताना पड़ेगा मैं मुस्लिम हूँ तो थाली कैसे देंगे। तो मैंने कहा उनको थाली कटोरी और गिलास पहले दे दो। तो पहले वो दे दिए तो उसका भ्रम मिट गया। हमारे यहाँ सब एक साथ भोजन करने बैठते हैं, कोई भेद नहीं। एक मुस्लिम लड़का 20 वर्ष तक मेरे साथ रहा, साथ रूप में मेरा भोजन बनाता था, पंडितों का भोजन बनाता था। अयोध्या के पास एक मेरा आश्रम है, कथा सुसूकर क्षेत्र जो आप गाते हैं वहीं आज भी है। वहाँ बहुत दिन तक वहाँ ब्राह्मणों की खूब मंडली है, ब्राह्मण लोग भी भोजन करते थे। मैंने कह दिया था अगर हमें चाहते हो तो जात पूछोगे तो मैं नहीं आऊँगा। जात पूछना बंद करो। हाँ विवाह शादी करना हो, अगर अंतर जाति शादी आप नहीं मानते हैं तो लड़की लड़का का वर्ग वर्ण पूछ लो, जो गोत्रोत पूछना चाहते हो। एक बार पूछने बस खत्म हो गया, जीवन में तो पूछना नहीं है। अगर अंतर जाति शादी मानते हो तो भी पूछना नहीं, इसमें मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग अंतर जाति शादी करें या ना। एक लड़के ने मुझसे पूछा था, कॉलेज के लड़के ने पत्र द्वारा, कि महाराज आप अंतर जाति शादी मानते हैं कि नहीं। तो मैंने उसको लिखा, लिख करके अंत में लिखा मैं शादी ही नहीं मानता। तो फिर मुझे शादी के विषय क्यों घसीटते हो, मैं क्या बताऊँ, तुम लोग जानोगे, जो शादी करते हुए लोग जाने। तो अगर लड़के लड़की की शादी करना है और अंतर जाति पसंद नहीं है विवाह, तो आप पूछ लें, बाकी समय पूछने की आवश्यकता नहीं। स्वच्छता देख करके बर्ताव करें। मनुष्य केवल मनुष्य, कबीर की जबरदस्त अपील आपसे है कि आप मनुष्य को केवल मनुष्य समझें। और इसका रोग भयंकर है। कबीर आध्यात्मिक संत थे, वे अंतिम स्थिति में डूबे हुए महापुरुष थे। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, अभी खांजी ने कहा था
क्यों बोले तो मतलब क्या है, वितर्क वहां खत्म हो जाता है, परमात्मा पाना नहीं है। एक युवक ने जब मुझसे एकांत क्षण में पूछा था, 40 वर्ष पुरानी घटना होगी, इसी समय शाम का प्रवचन करके जब मैं एक झुरमुट में ध्यान में बैठ गया, वहां जंगल था, तो एक 22 वर्ष का सुंदर जवान खोजते खोजते मेरे पास पहुंचा। आहट हुई तो मैंने आंखें खोली, मैंने कहा को भैया क्यों आए? महाराज परमात्मा कब मिलेगा? बहुत भावुक था। मैंने कहा परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तुम मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठगमारा खड़ा रह गया, जो कभी बिछुड़ा ही नहीं है, मिलने की क्या बात है? आपके आपा से परमात्मा अलग नहीं। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे, प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, ये गोस्वामी जी भी कहते हैं। सब उर्वासी, तो उर्वासी बताओ आपके हृदय में कितना परसेंटेज परमात्मा है, कितना परसेंटेज आत्मा है? एक ही की अनुभूति होती है, जो मैं के रूप में है ज्ञान तत्व। इसलिए आत्मा परमात्मा दो नहीं। कहता है खुदा खुद से जुदा, मानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूँ, वह कहे अल्लाह है और मैं कहूँ अल्लाह। परमात्मा बाहर नहीं है, न परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है, न सुख पाना है, सारे विकारों को छोड़ देना है, सारी मलिनता को छोड़ देना है। सारी मलिनता को छोड़ देने के बाद, जितना औपाधिक प्रपंच है स्वीकार कर देने के बाद, स्वयं शेष है। औपाधिक संबंधित शरीर मन प्राण बुद्धि इंद्रियां, पांच तत्व जगत प्रपंच, जिनको आप देखते हैं ये उपाधि है, संबंध का है। आपका स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, वह असंग है, अकेला है, केवल है। सारे विचारों को छोड़ देने के बाद शेष रह गया विश्व भगवान सर्वसाई है, और शेष नाग पर सोते हैं। शेष का मतलब बचा हुआ, सब छूट गया तो अकेला रह गया। ऐसी स्थिति में जो वही विश्व है, इसी को सूफी संत बका कहते हैं। बका जो बाकी रहे, शेष रहे, सारे विचारों को छोड़ते छोड़ते शेष रह गया, बस वही अपना पद है। उसी को आप परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गाड कहें, सत्य कहें, सुख कहें, निर्वाण मोक्ष, राम कहें, रहीम कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। पाना सब इंद्रियों से होता है और सोचना सब मन से होता है। पाना सोचना जब दोनों बंद हो जाता है तब अंतिम पद है। हजारों वर्ष पूर्व संत कुमार ने छांदोपनिषद में नारद को समझाया, यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्त भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है। भूमा की परिभाषा क्या है? यत्र नानत पश्यत नानत श्रणोत नानत विजाना सभूमा। यत्र नान्यत पश्यत, जहाँ दूसरे को नहीं देखता, नान्यत श्रणोत दूसरे को नहीं सुनता, नान्यत विजाना दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा की दशा है। देखना सुनना जानना बंद करो। रूमी साहब मुस्लिम संत थे, विद्वान थे और संत भी थे ईरान के। उन्होंने कहा चश्म बंदो गोश बंदो लब्धि बंद गर्न बीनी सर्रे हक बर्मन बखन। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अर्थ है अपने को समेट लो। साहब कहते समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ करके जड़ बन जाए, पहले समझ ले ठीक से, फिर अनाड़ी बन जाए, और सारा अहंकार छोड़ करके निर्माण हो जाए, तब उस पद को पाएंगे। एक मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था। मस्त राम ने मुर्दा से कहा, मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम ने मुर्दे से पूछा मुर्दा तुम कुछ बताओगे मुझे, सीख दोगे? कहीं जरूर सीख दोगे, कहीं बताओ। मर जाओ सुख पाओगे, मैं मर गया
झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। तो यहां मर जाना जहर खाना नहीं, अहंकार ममकार विसर्जित कर देना। परमात्मा पाना कुछ होता, पानी की चीज होती है, पानी की चीज तो जड़ होती है, आती और जाती है। साहिब ने कहा संतो आवे जाए सुमाया, जो आवे जाए मिले बिछड़े वो माया है। परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं। मोक्ष आपका स्वरूप है, परमात्मा आपका स्वरूप है, लेकिन जन्म से तो कबाड़ खाने में हम जी रहे हैं। जन्मे होश में आए राग द्वेष कला कल्पना क्रोध काम लोभ चिंता फिक्र उद्वेग, इसी में जी रहे, नरक में जी रहे। इस नरक की सफाई करें, स्वच्छ करें। सुई नूर दिल पाक है, सुई नूर पहचान, कवि साहब ने कहा पाक दिल में है, वो नूर की पहचान होती है। चित्त की स्वच्छता के बिना वो दशा नहीं आएगी। कबीर साहब इस पर जोर देते हैं। कबीर साहब संत हैं और साथ साथ बहुत कुछ हैं। व्यंगकार उनको मानते हमारे आचार्य हैं, निर्गुणी धारावाल तो मानते ही, वैष्णव लोग कितने मानते हैं कबीर साहब हमारे आचार्य हैं। आर्य समाजी कितने कहते हैं कि कबीर ने प्रथम आर्य समाज स्थापित कर दिया स्वामी दयानंद के पहले। वेदांती लोग उनको वेदांती, सूफी लोग उनको सूफी, मार्क्सवादी कहते हैं कबीर तो महान समाजवादी हैं। कबीर के अनेक पहल डॉक्टर शंकरानंद ने लिखा, हीरे के अनेक पहल सब ज्योतिर्मय, वैसे कबीर के अनेक पहल सब ज्योतिर्मय। लेकिन वे मुख्य हैं संत, और वैसे संत हैं जो पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ने वाला है। राजनेता लो, कोई भी राजनेता हो, किसी भी महापुरुष का आदर करे, नाम जपे मंत्र जपे, कोई पूजा पाठ करे मंदिर मस्जिद में जाए, अच्छा है। लेकिन जब उसको राजनीति का मुद्दा बनाएगा तो उसको खराब करेगा, पूर्व महापुरुष के चेहरे को खराब करेगा, उस परंपरा को खराब करेगा, परिपाटी को खराब करेगा, मंदिर मस्जिद के छवि को भी का बिगाड़ेगा। राजनेता छू लेगा अगर वो राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए तो उसको बिगाड़ेगा। इसलिए इनसे सावधान रहो। जो राम रहीम और मंदिर मस्जिद कह करके आपको अरगलाए उससे दूर रहो। जो हिंदू मुसलमान कह करके आपको अरगलाए उससे दूर रहो। हमें पूरे भारत को देखना है। विश्व की सेवा क्या है? चतुर्भुज विश्व का चित्र हो उसे पूजो, उस सेवा है। विश्व है जो सब में बसा हुआ है, घट घट में वही साई बसत है, सब विश्व भगवान है। भारत माता वो नहीं है जो एक सुंदरी युवती तिरंगा झंडा लेकर के चित्र में खड़ी है और उसकी आरती उतारो तो कहो हम भारत की पूजा कर रहे हैं। भारत की पूजा वो कर रहा है जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पंजाब से लेके बंगाल तक के लोगों के प्रति हमदर्द है। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी कोई भी हो। और ये कहना कि मुसलमान वफादार नहीं है, ये अपने घर में आग लगाना है। जब एक ने कहा, पढ़े लिखे लोग बहुत बिगाड़ते, सब पढ़े लिखे लोग तो नहीं, एक ने कहा कि जब यहाँ पर खेल होता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो यहाँ के मुसलमान प्रसाद बांटते हैं। हम कहे झूठ है, कोई पागल बांटता होगा। यहाँ के मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान के टैंक को तोड़ा था अपनी जान को जोखिम में डालकर। भारत के आज़ादी में मुस्लिम युवक भी अपने को झोंक दिए थे और वफादार मुस्लिम हैं। जब हम अपने भाई को कहेंगे ये दगाबाज है दगाबाज है तो घर बिगड़ेगा। तो ये घर में आग न लगावें। राष्ट्रीयता का अर्थ, राष्ट्र कोई देश नहीं है, राष्ट्र मनुष्य है। अगर जमीन राष्ट्र होती तो चंद्र लोग राष्ट्र कहलाता, वो राष्ट्र नहीं है। ये पृथ्वी राष्ट्र, इस पर राष्ट्र है। राष्ट्रीय भावना का जो गीत गाते हैं और वो मजहब उठाते हैं, मंदिर मस्जिद उठाते हैं, राम रहीम उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम उठाते हैं, सवर्ण अवर्ण उठाते हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड उठाते हैं, वे देश को नरक बनाने के चक्कर में पड़े हैं। और समाज को भावुक बनकर के कुछ समय के लिए वो गद्दी पर आ सकते हैं, लेकिन अंत में उनका विनाश होगा और देश की क्षति होगी। इसलिए पूरी मानवता को लेकर के जगने की आवश्यकता है। कबीर की राय है कि मानव को मानव समझो, सबके साथ प्रेम करो, सब में सब दिशा में सबका अधिकार है, जो जिसकी जैसी योग्यता हो वैसे आगे बढ़े। हम इस कबीर विचार गोष्ठी के संदर्भ में संकल्प लें कि हम किसी मनुष्य जाति नहीं पूछेंगे और मानवता से प्रेम करेंगे। मजहब अनेक है, धर्म एक है, संयम और शील। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।